So, hey friends, welcome back to Fun with Toys and Books. तो आज है मेरा चिल्ड्रंस डे पार्टी यानी फन फेयर, तो चलो जल्दी से घूमते हैं। तो जो प्रेयर था वो मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई, तो हम लोग फर्स्ट हॉल से शुरू करेंगे जो कि है सेल्फी पॉइंट। तो फादर और मैनेजर यहाँ इनॉग्रेशन करने आए हैं, यहाँ टीचर्स हैं। बेसिकली पूरे फन फेयर में कूपन्स थे, एक कूपन 10 रुपीज़ का था, तो कूपन्स देने थे और फिर आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ स्टेज है पीछे जहाँ पर प्रेयर हुआ था, एंड यहाँ पर फादर और मैनेजर जो है यहाँ इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी हमारी चिल्ड्रंस डे पार्टी लास्ट में। तो फ्रेंड्स अब जल्दी जल्दी से हम ये वाला स्टॉल पूरा एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम चलेंगे फूड सेक्शन के पास। पहले फ्रेंड्स हम फूड सेक्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे गेम सेक्शन में और डांस हॉल में। टोटल 3 वेन्यू थे, तो हम अभी पहले वेन्यू पे हैं। यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए थे। तो जो नेक्स्ट स्टॉल था हमारा वो था आइसक्रीम का, कुल्फी। ऑलरेडी मुझे ये टाइम बहुत भूख लग रही थी, इसके लिए मैं कोई स्टॉल ढूंढ रही थी जहाँ से मैं कुछ लूँ और जल्दी से पेट पूजा कर लूँ। फिर ये था सैंडविच का स्टॉल जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने बस इसका सी शूट कर लिया। एंड देन हम लोग आ गए थे नेक्स्ट स्टॉल पे जो कि है वाटर का, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। उसके बाद हम आ गए थे चना चाट के स्टॉल पे जो कि बहुत अच्छी थी। चना चाट जो थी वो 2 कूपन्स की थी आई गेस। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स रुके थे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे खड़े के शूट कर रही थी। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे जो कि है चाइनीज भेल का, आई गेस उसको चाइनीज भेल ही बोलते हैं। तो ये 2 कूपन्स की थी, तो मैंने ये ट्राई की और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये भी जो है वो 2 कूपन्स थी 1 प्लेट के लिए। और ये पूरे फूड स्टॉल है इस तरफ, ये देखिए ये है मेन बिल्डिंग। और अगले दिन हम लोग का एनुअल डे था तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही थी। हमारे कुछ स्टॉल्स रह गए थे तो जल्दी से उनको भी इधर कवर अप कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे गेम सेक्शन में। गेम सेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, एंड ये था कोल्ड ड्रिंक सेक्शन जहाँ से मैंने ली थी थम्स अप। कोल्ड ड्रिंक्स में काफ़ी वैरायटी थी, स्प्राइट, फैंटा, थम्स अप एंड ऑल दैट। और जो लास्ट सेक्शन जो हर एक का फेवरेट होता है, इनफैक्ट वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी थी कि इनफैक्ट वहाँ पे जा भी नहीं पाई थी, तो मैंने दूरी से शूट कर लिया जूम करके। पानी पूरी, मेरी फ्रेंड्स लोग यहाँ पे बहुत देर तक लाइन में खड़े थे। ये भी थी 2 कूपन्स फॉर 1 प्लेट। तो फ्रेंड्स हमारा जो है वो फूड स्टॉल जो है वो पूरा इस तरफ का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स लगा चुके हैं, तो अभी इधर का हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम जा रहे हैं उधर गेम सेक्शन में, फिर उसके बाद हमें डांस हॉल में भी जाना है। तो अब धीरे 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 चलते हैं, मैंने सोचा कि पूरा शूट करते हुए चलते हैं स्टेज और स्टॉल्स एंड ऑल दैट, मेन बिल्डिंग एंड जो इतनी ग्रीनरी है आसपास उन सबको शूट करते हुए चलते हैं। इतनी ज़्यादा मज़ा आई, सारे फ्रेंड्स जो थे सब लोग मिले, इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत मज़ा किया था डांस हॉल में भी, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड पे आपको जगह दिख रही है, जो गेट है, डोर है, वहाँ से ऊपर जो है वो हॉल में हमारा डांस हॉल था। बट मैंने सोचा कि पहले लेफ्ट साइड से जाके हम गेम्स कंटिन्यू कर लेते फिर चलेंगे ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं। हमारा जो टाइमिंग था वो 7:45 से लेके 9:45 का था, तो मतलब सुबह ही का टाइम था, जल्दी हो गया था। तो हम आ गए हैं अब हमारे गेम्स सेक्शन पर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और पूरा एंड तक हम जाएंगे, सारे गेम्स ट्राई करेंगे। और मैंने गेम्स ट्राई करते हुए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं कोई गेम में जीत भी नहीं पाई, और फिर फ़ोन भी हैंडल करना, कूपन्स भी संभालना, फिर गेम भी खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें से बॉल डालनी थी, देखते हैं।
तो वो तो बॉल वाला था फर्स्ट गेम, देन सेकेंड वाला जो था ये पिंग पोंग बॉल चैलेंज था। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे एंड मुझे ना ये डिग एंड विन वाले में जाना था, बट बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, तो ना शूट करने में आ पाया उतना और ना मैं जा पाई वहाँ पे। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है फ्रेंड, अपना बेस्ट ट्राई किया था शूट करने का, क्योंकि हैंडल ही नहीं हो रहा था सब। तो ये जो गेम था वो वन कूपन का था। फिर मैं जा रही थी आगे, यहाँ पे लिटरली मतलब शुरू से 7:45 से लेके 9:45 के बाद तक इतने लोग थे बिकॉज़ ये टैटू की जगह थी एंड जो वहाँ जो शेडिंग के लिए मेकअप रखे थे, जो टैटू स्टिकर्स थे, यू नो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब मेरी एक फ्रेंड ने करवाया था, मैं उसका शूट नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसने बटरफ्लाई वाला करवाया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया क्योंकि यहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि थोड़ा देर हो गया था मुझे। वैसे भी हमें आगे भी एक्सप्लोर करना है, मैंने आगे वाला गेम काफ़ी बार खेला है। तो ये वाला जो गेम था ना, ये स्पिन द व्हील वाला, ये मैंने बहुत बार खेला है। मतलब इसमें क्या होगा ना, आपको आपका एक कूपन देना है और आपको एक नंबर मिलेगा, फिर वो जो व्हील स्पिन करेंगे और अगर आपके पास आपका जो नंबर आ गया तो फिर आप जीत जाओगे, नहीं आए तो आप हार जाओगे। तो मैंने ये वाला काफ़ी बार ट्राई किया, एक बार 9 था एंड एक बार आई गेस 10 था, बट दोनों बार नहीं आया। सो ओके, तो सबसे पहले पूरे कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर उसके बाद व्हील को स्पिन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने ले लिया था कूपन्स। हमारे दो गेम्स रिमेनिंग थे, आई नो दैट, ये वाला हम लोग आगे कवर करेंगे। वो अभी हम लोग गए थे जल्दी से मेन बिल्डिंग, क्योंकि हमें वहीं पे काम था, तो हमने सोचा कि चलो पहले डांस हॉल भी कर लेते हैं। तो हम लोग चले गए थे मेन बिल्डिंग डांस हॉल के लिए, बाद में हम वो लकी ड्रॉ और हाउजी वाला गेम जो है वो चेक कर लेंगे। तो अभी हम सारे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं हॉल में एंड ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा है डीजे एंड ऑल दैट सॉन्ग्स एंड डांस एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, फिर मैंने जो बोला था ना लकी ड्रॉ वाला प्राइजेस है, इसमें आपको एक चिट पिकअप करनी है, अगर आपकी चिट में विनर रहा तो आप जीत सकते हैं, अपना मनपसंद गिफ्ट उठा सकते हो। ये भी मैंने 2-3 बार ट्राई किया और मैं अनफॉर्चुनेटली हार गई थी। कोई बात नहीं, हर जगह लग तो नहीं काम करेगा। तो अभी मतलब मेरी बारी नहीं आई थी, मैं लाइन में थी और ये मैं चिट उठा रही थी, हम लोग सारे फ्रेंड्स भी थे साथ में। व्हिचएवर यू वांट टू पिक यू कैन पिक। पहली बार हम थोड़ा आगे थे, लेकिन फिर दूसरी बार जो है वो हमें लाइन में लगना पड़ा था। तो ये देखिए मेरी एक फ्रेंड जीत गई थी एंड फिर से मैं ये वाले गेम पर आ गई थी क्योंकि मुझे ये वाला गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था ये वाले गेम पर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो इस बार आई गेस मेरा नंबर 9 या मेरा नंबर 9 था। अब भी काफ़ी नंबर्स बचे हैं, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो फिर गेम शुरू होगा। मैं आई वॉज लिटरली प्रेइंग दैट प्लीज़ नंबर 9 ही आए, नंबर 9। फिर क्या, सारे कूपन्स हो गए थे डिस्ट्रीब्यूट और लिटरली मैं और मेरी फ्रेंड प्रे कर रहे थे। एक्चुअली मेरी बेस्टी नहीं आ पाई थी क्योंकि वो थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो वो नहीं आ पाई थी। तो मैं मेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली इस बार भी नंबर 9 नहीं आया था, बट आई गेस नंबर 13 आया था जहाँ तक मुझको याद है। 9 तो आकर कब का चला गया, मैंने नंबर 13 आया था। तो नंबर 13 आया, नंबर 13 को एज आई गेस प्राइज मिल गया, मतलब गेस थोड़ी किया। फिर ये था हाउजी गेम, आप सब जानते हो काफ़ी पॉपुलर गेम है, बट मैं यहाँ नहीं शूट कर पाई क्योंकि हम लोग फिर उधर फूड स्टॉल्स के लिए चले गए थे फिर से एक्सप्लोर करने, थोड़ा खाने पीने कुल्फी वुल्फी लेने। तो हम लोग ये हाउजी गेम में नहीं गए, लेकिन मैंने शूट कर लिया था यहाँ का। तो हमारा गेम सेक्शन भी हो गया, फूड सेक्शन भी हो गया, डांस हॉल भी हो गया। बट फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो ये डिग एंड विन वाले में ट्राई करते हैं, देखते हैं थोड़ी भी अगर जब तो कहीं से जाके हम ये ट्राई तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग थे एंड बहुत देर भी लग जाती, तो इसके लिए मैंने ये वाला गेम स्किप कर दिया है एंड ये देखिए यहाँ बॉट रखा है, उसमें ढूंढ रहे हैं। ये है मेरी बहुत स्वीट टीचर्स, मुझे भी ट्राई करना था, मेरी फ्रेंड को भी ट्राई करना था, बट
हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं था और फिर हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले जाके फूड सेक्शन में जाते हैं। टोटल मैंने 10 कूपन्स लिए थे, लेकिन फिर जाके मैंने 2 कूपन्स और ख़रीद लिए थे डांस हॉल के लिए, तो टोटल मैंने और मेरी फ्रेंड ने 12 कूपन्स यूज़ किए थे इन ऑल। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छा चिल्ड्रंस डे पार्टी थी, फनफेयर था, विच वॉज एब्सोल्यूट विन। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था इस बार का, हर बार का बहुत अच्छा था। इनफैक्ट एनुअल डे का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा, 3 वेन्यू और इतना ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज रहता है, इतने अच्छे डांस परफॉर्मेंस रहते हैं, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो थैंक यू टू होली क्रॉस जिसने इतना ब्यूटिफुल इवेंट, हर बार वो इतना प्लान करते हैं। तो इस बार हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मतलब हर बार हो जाता है। अब हम लोग चले गए थे थोड़ा घूमने यहाँ पर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस, स्टोरीज, ड्राइंग, क्राफ्ट, चार्ट आइडियाज़, बहुत सारी स्टोरीज, हर चीज़ ऐसे राइटिंग आपको सब मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट फॉर दैट। एंड यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं डीजे पे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।